पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक, जिसे लेकर फैंस हर अपडेट जानना चाहते हैं। तो आपको बता दें, जो कुछ इस वक्त अपडेट आ रही है उसके मुताबिक ये है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, और अगर पवन सिंह नहीं राजी हैं, जहां तक कि पवन सिंह के वकील सुदामा पांडे का कहना है कि पवन सिंह जो है वो राजी नहीं है ज्योति सिंह के साथ रहने के लिए, लेकिन ज्योति सिंह जो है वो राजी है, ये कहना है ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे का। उनका ये कहना है कि ज्योति सिंह रहना चाहती हैं। और सब बातों में से एक बात निकल कर सामने आई है, ये कहा जा रहा है पवन सिंह के वकील की तरफ से कि ज्योति सिंह ऐसा कह रही हैं कि उनके साथ वो इसलिए भी नहीं रहना चाहती क्योंकि उनका हाल पवन की पहली पत्नी नीलम सिंह जैसा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इस बात को खारिज किया है ज्योति सिंह के वकील ने। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है जज के सामने, उल्टा ज्योति सिंह रहना चाहती हैं। अगर पवन सिंह इन सब चीजों पर रेडी नहीं होते हैं, मेंटेनेंस ज्योति सिंह की तरफ से 3.5 लाख रुपया पर मंथ मांगा जाएगा। अदरवाइज अगर पवन सिंह अपने साथ ज्योति सिंह को रखते हैं तो इससे ज्योति सिंह को कोई परहेज नहीं है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, वो खुद रहना चाहती हैं, अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती हैं। साथ ही साथ यहाँ ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ये भी कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह अपने इस रिश्ते को एक और मौका दे तो बहुत अच्छा होगा। पति पत्नी में ऐसे विवाद होते रहते हैं जिसे बाद में सुलझा लिया जाता है, और अगर पवन सिंह ऐसा करते हैं तो जग बदनामी से बच जाएंगे, लोग के बीच उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी क्योंकि ये सब कुछ करने में बदनामी है। तो ये है अभी फिलहाल ज्योति सिंह और पवन सिंह के जो डिवोर्स है उसे लेकर अपडेट। ये डिवोर्स का मुद्दा आगे भी गर्माएगा, काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है दिन पे दिन ये केस, क्योंकि पहले ज्योति सिंह रेडी थी, वो चाह रही थी कि पवन सिंह तुरंत उन्हें डिवोर्स दे दे, 3.5 लाख रुपए की एलिमिनी मिल जाए, लेकिन अब ज्योति सिंह ने डिवोर्स से इनकार किया है और उनका ये कहना है कि वो पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, एलिमिनी उन्हें नहीं चाहिए। अब ऐसे में पवन सिंह और उनकी फैमिली, साथ ही उनके जो वकील हैं, आगे उनका क्या कदम होगा इसकी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। भोजपुरी जगत के हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।